नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धरना प्रदर्शन की। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में जरूरी हैं, परंतु क्या इतने जरूरी हैं कि जनता के सीने पर चढ़कर ये प्रदर्शन किए जाएं? जिनकी समस्या है वो समस्या प्रशासन तक, शासन तक पहुँचे, ये भी जरूरी है। परंतु जो व्यक्ति जरूरी काम से जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है, क्या उसके लिए नेताओं का कोई दायित्व नहीं है? क्या समाज में अराजकता ही फैलनी चाहिए? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल इस पर कितने जिम्मेदार हैं और कितने गैर जिम्मेदार हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस से दीपचंद यादव जी हैं, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ नेता भी हैं और शहर के पूर्व महापौर रह चुके हैं, तो शहर की नस नस से वाकिफ़ हैं। तो वो हमें ये भी बताएंगे कि शहरवासी क्या चाहते हैं। पत्रकार के रूप में देवदत्त दुबे जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वे अपना समीक्षात्मक दृष्टिकोण पेश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है या वाकई जनता के हित देखे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे शैलेंद्र जी, कि आपके नेता इन दिनों काफ़ी गंभीर हैं गुमठियाँ लगाने को लेकर, कि शहर में जहाँ जहाँ जगह खाली पड़ी है वहाँ गुमठियाँ लग जाएँ, उनसे उनका किराया आने लगे, चौथ वसूली होने लगे, और इसके चलते वो चाहें जब चक्का जाम करेंगे, चाहें जब वो धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी नियत स्थान पर करें जो धरने के लिए आरक्षित है, वहाँ नहीं बल्कि कहीं भी सड़क पे करेंगे, तो ये ठीक है? देखिए, पहले तो मैं जो आपने शब्दावली का प्रयोग किया उससे सहमत नहीं। आप कह रहे हैं कि वो चौथ वसूली के लिए कर रहे हैं, मेरा ये भाव है या जो बीजेपी का भाव है कि अगर कोई घर के लिए 2 जून की रोटी कमाता है, वो व्यक्ति को अगर आप कहीं से हटाते हैं, पहले अगर वो वहाँ बैठ के व्यापार कर रहा है जिस दिन उसने शुरू किया उस दिन आपने क्यों नींद जागरूक हुए, और बाद में आप हटाए तो उसके घर का चूल्हा किसे जलेगा? 15 साल किसकी सरकार थी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारे वक्त पर व्यक्ति हमने उसको नहीं, पर यहाँ प्रधान जी आप तो विधायक रहे हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं शहर के, आप MSET जैसे बड़े संस्थान से पढ़े हुए इंजीनियर हैं, लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। आपकी पार्टी का ये उसूल भी था कि आप नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति करेंगे, आप इसकी राजनीति नहीं करेंगे कि जो गलत है उसको भी जस्टिफाई करें। मेरा कहने का आशय यह है कि आपका एक नेता ऐसा भी था स्वर्गीय बाबूलाल गौर, जिसने इस शहर को खूबसूरत बनाया, और एक नेता ये भी हैं सुरेंद्रनाथ सिंह टाइप या बहुत सारे हैं ऐसे, रामेश्वर शर्मा हैं और दुनिया भर के कई लोग हैं ऐसे जो गुमठियाँ रखवाने में भारी विश्वास रखते हैं, और अगर रखते हैं तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, देखिए, एक नीति तय हुई थी कि हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। अब वो नीति हो सकता हमारी सरकार उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, पर ये बात सही है कि अगर यातायात में कहीं बाधा पैदा होती है किसी गुमठी या उसके कारण, तो ऐसी 2-4-10 गुमठी झुग्गी हटाई जा सकती है, पर आप एन ब्लॉक इसको हटाए और फिर उनको वैकल्पिक बसाए नहीं या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करे, तो ये भी गरीब के साथ न्याय नहीं है। तो यहाँ यही बात उठती है बार बार, लोग ये पूछते हैं कि 15 साल में झुग्गियाँ और गुमठियाँ कम होनी चाहिए थी और शिवराज जी ने गुमठियाँ और झुग्गियाँ बढ़वा दी, तो ये जो गुमठियों के मसीहा हैं, झुग्गियों के मसीहा हैं, ये क्या चाहते हैं? पाकिस्तान जैसा अपना देश हो जाए, ऐसा ही प्रदेश हो जाए कि लोग गधों पे सवारी करें, अच्छी गाड़ियां ना ले जा पाएं, बड़े बड़े रास्तों से अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हो,
गधे घोड़ों पे ही अपना व्यापार करें, उसी से ही चलें, ये चाहते हैं आप? नहीं, अगर आप याद करें तो माननीय अर्जुन सिंह झुकी के प्रणेता माने जाते, बिल्कुल सही कहा आप। और माननीय अर्जुन सिंह जी ने उस वक्त झुकी वासियों को उन्होंने तो पट्टा भी दिया और बिजली भी दी फ्री की। अब क्वेश्चन है, अब मेरा कहना यह है कि आप तो उस पार्टी के खिलाफ चुनाव जीते, तो वो अगर हत्याएं कर रहे हैं उनके कोई नेता, तो आप भी करेंगे क्या? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इनको यातायात में बाधा बन रही, तो इनको व्यवस्थित और वैकल्पिक बिल्कुल जमा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, उनको रास्ता रोकने का अनुमति। बिल्कुल, पर यहाँ एक बात और भी उठ रही है, और ये सवाल मैं दीपचंद जी आपसे पूछना चाहूँगा, लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन का क्या मतलब है? जिसकी जहाँ इच्छा आए वहाँ बैठ जाए। देखिए प्रकाश जी, एक तो हम इस आपकी बहस को दो हिस्सों में अलग अलग बांटे। एक तो डेमोक्रेटिक हमारे जो अधिकार हैं उनका, दूसरी तरफ लोगों की रोटी रोजी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी और धरने प्रदर्शन की आड़ में हम किन तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमको जो आपने शुरुआत की कि एक रास्ता रुका हुआ है कि कोई बीमार हो गया, कोई किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को ट्रेन पे जाना है, लेकिन रास्ते के कारण नहीं जाए, और वो अपने ट्रेन या प्लेन या अस्पताल बीच में ही अस्पताल में कुछ हो जाता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो हमको समग्रता से इस बात को ध्यान देना। पर यहाँ आपके प्रभारी मंत्री कहते नजर आ रहे हैं, पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं कि नहीं साहब, ये धरना प्रदर्शन तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, नहीं, ये ठीक है क्या? नहीं देखिए, धरना प्रदर्शन के लिए प्रभारी मंत्री जी को भी ये चाहिए, सबको भी ये चाहिए कि मिल बैठ करके प्रशासन के साथ, और ये जो मैंने अभी बात कही उसको दृष्टिगत रखते हुए तय करना चाहिए और सुनिश्चित कर देना चाहिए कि किन किन स्थानों पर धरना प्रदर्शन अलाउ होंगे। और अभी तो आजकल तो धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश में तो हो भी रहे हैं। बिल्कुल, अब आप बाहर जाइए, अभी कश्मीर गए थे लोग, बुला लिया, इसके बाद में कह दिया कि आप नहीं मिल सकते। बिल्कुल, तो नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि धरने प्रदर्शन का स्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नियत है कि साहब आप टीटी नगर में यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, दशहरा मैदान पर कर सकते हैं, जमहूरी मैदान पर कर सकते हैं, और उधर आप चले जाएं तो गांधीनगर के उधर कर सकते हैं। आउटस्कर्ट में खूब धरने प्रदर्शन करो, खूब ढोल ढमाके बजाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं वही कि आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ कि आपको प्रशासन, तो ये आपके नेता क्या बोरा गए हैं, पगला गए हैं कि नहीं साहब कोई भी कहीं भी कर सकता है? ये दोनों पार्टियों में तो माफ करना, मैं इस वक्त बिल्कुल निष्पक्ष होकर अगर बोलूं तो दोनों पार्टी के नेता अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको ना शहर की जनता की परेशानियों से कोई मतलब है, ना ही उनको इससे मतलब है कि क्या होगा। ये अभी प्रधान जी जो कह रहे थे रोटी रोजी की बात, मैं अच्छी तरह से अनुभव इस बात को करता हूँ कि रोटी रोजी की आड़ में जो माफिया है, गुमठियां और झुग्गियों का माफिया, जरा उनको भी देखिए क्या वास्तविकता में वही लोग जो जिनकी गुमठी लगी है वही लोग उसके मालिक हैं या और कोई है? और आप झुग्गी झोपड़ी और गुमठियों में आप जाएंगे तो वो लोग आप ले हमसे अच्छे करोड़पति लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये तो एक इसका दूसरा पहलू होगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ कि हम कुछ भी करने दें, किसी को भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसमें हमको अपनी शहर, यहाँ आपके एक विधायक हैं कुणाल चौधरी, वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। भाई कांग्रेस के विधायक हो अच्छी बात है, 15 साल आपने धरने प्रदर्शन किए, पर एक नियत तिथि मतलब नियत स्थान पर ही किए होंगे, और अगर वो ऐसे प्रदर्शन होते हैं कि जनता उससे परेशान हो, इसको तो आप भी अलाउ नहीं करेंगे, पार्टी को भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता जिससे जनता को परेशानी हो। तो ये जो नए, सुनिए, जो नए टाइप के आपके जो भी है, जो नए मुर्गे टाइप आ गए हैं, कुछ भी बांग दे रहे हैं, तो इनके कहने से समाज चलेगा क्या? प्रकाश जी, इन पर अंकुश लगाना चाहिए ऐसे लोगों को, उस समग्रता से विचार करना चाहिए पॉलिटिकल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और हमारे बहुत सी चीजों के ऊपर इस पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं, पर हैरत यहाँ इस बात की है
कि प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, इतने सीनियर विधायक हैं, उनने भी ये कह दिया कि नहीं साहब, पूछा जाए पुलिस वालों से कि कौन सी किताब में लिखा है कि धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अरे भैया खूब करो आप धरना प्रदर्शन, वल्लभ भवन में घुसा लो ना अपने सब, धरना प्रदर्शन करते रहना, पिटना वहाँ पे और जम के कुटना, फिर उसके बाद आना पुलिस के पास। प्रभारी मंत्री ने किन परिस्थितियों में किया ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत बात करें उसके लिए लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जो दो तीन चार चीज़ें मैंने बताई उनको ध्यान में रखते हुए और अलाउ करना चाहिए, और प्रशासन को और पॉलिटिकल पार्टीज को दोनों को मिलके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता की परेशानी भी ना हो और डेमोक्रेटिक जो हमारे अधिकार हैं उन पर भी किसी प्रकार का कोई अंकुश ना लगे। बिल्कुल, और ये शासन प्रशासन पहले से तय कर चुका है, जैसे मैंने कुछ स्थान आपको बताया, नए भोपाल में, पुराने भोपाल में, सब जगह स्थान नियत है। अब जब नियत है वहाँ आप कर नहीं रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। आप लेके जाते हो 100 गुमटी वाले और किसी भी रोड पर जाके आपने गाड़ी आड़ी करी और खड़े हो गए, चक्का जाम करेंगे। ये ऐसे नेताओं को पकड़ के कूटना नहीं चाहिए। देखिए गुमटी वालों के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि गुमटी वाले हैं कौन और किस जगह पे लगा रहे हैं, कैसे लगने दिया जा रहा है, इस पे एक जिम्मेदारी भी। नहीं तो फिर कांग्रेस के बड़ा नेतृत्व क्या कर रहा है, सीएम इसमें क्यों हस्तक्षेप नहीं करते? जिम्मेदारी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्यों लगने दे रहे हैं और लगने दे रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता, मैं मेयर था। अरे तो आप देखिए ना, भोपाल के कलेक्टर, भोपाल के नगर निगम के कमिश्नर, ऐसा लगता है जर खरीद गुलाम हो गए हैं कुछ नेताओं के। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, प्रशासनिक अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि पॉलिटिकल हमारे जो आका हैं वो हमसे नाराज ना हो जाए। ये मैं दो बेबाक टिप्पणी कर रहा हूँ इस बात को कि ये और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे उसमें किसी प्रकार की भी कोई अड़चन हो, और अगर कोई ऐसा लगता है तो उनको प्रशासनिक अधिकारियों को, जो नेता हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं या विधायक हैं, उनसे जाकर बताना चाहिए कि साहब इसमें ये परेशानी आ रही है, जनता को ये परेशानी होती है। नहीं तो एक अगर एक प्रयास किया कि भोपाल के किसी एडिशनल एसपी ने एक नोटिस जारी कर दिया किसी नेता को कि इतना पैसा जमा कीजिए क्योंकि आपकी वजह से ये जनता परेशान हुई, इतनी पुलिस लगानी पड़ी जो इन्वेस्टिगेशन में लगती क्राइम के, इनके पिताजी के जमा करा गए क्या पुलिस के पास पैसा, के फ्री में लगाते रहे पुलिस इधर उधर पर? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे भाई, वही एडमिनिस्ट्रेशन अगर दूसरी जगह लगता, दूसरे कामों में लगता आपको, आपकी रक्षा के लिए, और आप नहीं आओ क्योंकि आपने तो बिल्कुल पट्टा ले रखा है कि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के या एक एमएलए या एमएलए हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और श्रृंखलता और अराजकता एक अलग स्थिति है, प्रजातंत्र एक अलग चीज़ है। हमको लोकतंत्र में, लोकतंत्र को जनता की परेशानियों के को निपटाने के लिए तो हमको उसमें निर्वाचित किया जाता है, हमको जनता की परेशानियां बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। अच्छी बात, जनता के प्रति हमारे दायित्व है उनको निर्वाह करने के लिए हमको बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा दुबे जी कि राजनीतिक दलों में ये जो होड़ मची है, खासतौर पर ये जो छुटभैया टाइप के नेता आ गए हैं, कुणाल चौधरी अपने गाने गा रहे हैं, वो चले तो दूसरे वाले सुरेंद्र नाथ सिंह जी वो अपनी बातें कर रहे हैं, नहीं साहब लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? ये कहता है कि किसी का भी एक का अधिकार बचाने के चक्कर में 100 लोगों की जो है अधिकार छीन लो। देखिए राजनीति जिस दौर में पहुंच गई है, ना तो नेताओं का आत्मबल बचा है और ना ही उनकी संघर्ष करने की क्षमता बची है। यदि इनको किसी प्रकार की समस्या का कोई करना है तो भूख हड़ताल पर बैठे हैं आप, एक अच्छे जो स्थान निश्चित है उस पर आप सत्याग्रह करें ना, कौन रोक रहा है? लेकिन संघर्ष नहीं करना, आज तो संघर्ष तो छोड़ो, सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। मछली जैसे पानी से निकलने के बाद तड़पती है, ऐसे नेता सत्ता से बाहर होने के बाद तड़पते हैं। आप देखें जी 15 साल बाद सरकार से गए और दूसरे दिन से ये सरकार गिर जाएगी, ये अस्थिर है, ये वो तड़प रहे, अब ये बचाने के लिए तड़प रहे, लेकिन मुद्दों की बात नहीं कर रहे। आप देखिए तो क्या तमाशा मचा है, किन मुद्दों पे आप लड़ झगड़ रहे? बीमारी, मीडिया का भी रोल आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र अच्छी बात है, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखना चाहिए, एक निर्धारित स्थान पर आप जाएं, वहाँ अपना, जैसा आपने कहा कि लोग अपने आमरण अनशन करें ताकि उनकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचे, पर ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने को कष्ट देना नहीं चाहते, दूसरे को दे दो कष्ट। बिल्कुल वही बात है,
अब हम कह रहे हैं धरने पे बैठते हैं, दूसरे दिन से कहते हैं कोई आ रहा है जूस पिलाने वाला, उसकी व्यवस्था करने लगते, मुद्दे को तो छोड़ ही देते, ये स्थिति है नेताओं की। और कितने बुनियादी मुद्दे आज हैं, आप देखें कि बीमारियां कितनी फैल रही हैं, डेंगू और स्वाइन फ्लू, इन मुद्दों पे संघर्ष करें आप, इन मुद्दों पे बात रखें। और अभी गर्मियों में पेयजल की समस्या थी, कोई नहीं बोल रहा था, अभी बाढ़ में कैसे जानवरों जैसे आदमी कहीं कहीं बह रहे हैं, कहीं डूब रहे हैं, वहाँ कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है, केवल आडंबर दिखाना है और पाखंड रचना है कि हम बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं। और जिन लोगों के लिए ये उपयोग करते हैं बूथ पे या बूथ कैप्चरिंग के लिए, फर्जी मतदान के लिए, उन्हीं लोगों के लिए ये कुछ व्यवस्था करने के लिए करते, ये समग्र जो समाज है जिसकी शांति व्यवस्था के लिए जो आज गुमटियाँ रखी जाएंगी वहाँ मंचले खड़े होते हैं, फिर वही स्कूल के सामने रखवा देते, लड़कियों को परेशान करते, कितनी घटनाएं होती हैं। और आप शासन में हो, पहले जैसे आपने झुग्गी झोपड़ी हटाई और मल्टी स्टोरी बना दी, झुग्गी वाले वहाँ शिफ्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अतिक्रमण हटा दो, उसके पहले आप मार्केट बनवा देते, दुकानें बनवा देते, बता देते हम यहाँ व्यवस्थित कर रहे हैं, क्यों आप उनके लिए नहीं करते। तो ये पूरे एक ही थैले के चट्टी बैठे जैसी स्थिति है, केवल अपना अपना देख रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि इससे हमारी सरकार की बदनामी हो रही, हमारी पार्टी की बदनामी। और भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसा था क्या कि वो तो एथिक्स पे काम करने वाली पार्टी थी, वो तो एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी और उनमें अनुशासन था, वो नैतिकता के हिसाब से काम करते थे, ये सब भूल गए क्या इन नेता? यदि मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शहरों में पहचान बनी तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर, बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री कहा जाता था, और आज वही भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण का विरोध कर रही, उसके लिए खून की नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस माने जो परिवर्तन आया, विपक्ष में आप क्या थे, फिर कुछ दिन उस बात पे अमल किया, फिर जैसे ही आप लगातार सत्ता में रहे आप भी उसी परिपाटी पे आ गए। आप ये देखिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, यदि आपने पार्टी विद द डिफरेंस कहा था तो आप उसको थोड़ा दिखाइए अंदर। ये सवाल आपसे प्रधान जी के, ये आपके दौर की बात है कि जब कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, ऐसे बहुत से नेता थे जो एथिक्स की बात करते थे, आप जैसे नेताओं ने खूब पुलिस के लाठे डंडी खाई हैं, परंतु कभी भी जिसको कहें जनता को परेशान नहीं किया कि नहीं साहब आपकी वजह से जनता परेशान हो गई है। पर अब ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में क्या रही, सारे अवगुण आपने अवशोषित कर लिए हैं कांग्रेस के। नहीं, हमारी पार्टी की आज भी नीति है कि कहीं चक्का जाम ना करे, आप भूख हड़ताल ना करे और ऐसा कोई आंदोलन ना करे जिससे जनता परेशान हो। देखिए ये हो गई रीति नीति, पर अगर कोई नेता या कार्यकर्ता इसके विपरीत आचरण करता है और जिससे जनता परेशान होती है तो पार्टी, हो सकता है मीडिया में ये बात ना आए पर उसको बुला के समझाइश भी देती है कि भाई ये ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात। पर यहाँ एक बात और भी उठ रही है कि पिछले कुछ दिनों से ये निरंतर हो रहा है, शिवराज जी जब तक सत्ता में थे तब तक तो बड़े नैतिकता की और आदर्शों की बात करते थे, अब वो किसी को भी चमकाते नजर आ रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर, ठीक है भाई आप आइए हम तो साहब ट्रैक्टर लेके शहर में जाएंगे, आपको याद है वो दिन, वो समय, वो घटनाएं और वो पूरा अराजकता का माहौल जब खुद मुख्यमंत्री थे शिवराज जी और रोशनपुरा चौराहे पर किसान संघ ने जाम लगा दिया था और पूरे बच्चे, स्कूल बच्चे परेशान हो गए, पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया था, आपको याद है वो समय? देखिए आपकी जो आपने जो घटना की याद दिलाई उसको भूला तो नहीं जा सकता, पर आखिर जनता के लिए या किसान के लिए संघर्ष करने के अलावा और क्या विकल्प है भाई? मेरा कहना यह, आप एक अच्छे नेता हैं, आप बाकायदा अधिकारियों से मिलने का समय मांगिए, मंत्री से मिलने का समय मांगिए, आप उनके दरवाजे पे जाके आंदोलन करिए ना, बजाय इसके के जहां मर्जी हुई अपन ने चक्का जाम कर दिया, जहां मर्जी हुई वहां प्रदर्शन कर दिया। अब आप भी जानते हैं कि जो शहर पहले 8-10 लाख की आबादी का था वो 16 लाख से ऊपर की आबादी का हो गया, पुलिस बल उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं तो हो रहे हैं, जाम लग गया तो लग गया। अब ऐसे में क्या एक नागरिक जो पूरी तरह से टैक्स अदा करता है, आपके तो नेता टैक्स भरते नहीं हैं,
पर जो भर रहा है टैक्स वो आपको टैक्स भी दे और ऊपर से गालियां भी खाए। देखिए, जन समस्या का समाधान जन आंदोलन के ही माध्यम से होता है, और आप उसको आइसोलेशन में जाके कहीं धरना प्रदर्शन करें तो उससे जनता का दबाव नहीं बनता। तो आपने बोला इसमें कर लो स्टेडियम नहीं, मेरा देखिए मेरा कहना यह है, आपको पता है कलेक्टर एसपी एडीएम एडिशनल एसपी ये सब इसी के लिए निर्धारित रहते हैं कि कहीं अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के नाते वहाँ जाते हैं, ज्ञापन भी लेते हैं, आपकी समस्याएं भी सुनते हैं। अगर वो नहीं है तो प्रतिनिधि मंडल को ले जाते हैं, संबंधित व्यक्ति से मिलाते हैं, ये तो हो ही रहा है ना। अगर ये आपका प्रभाव कम हो रहा है तो लोकतंत्र में इसकी चिंता किए जाने की जरूरत है ना कि साहब प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनसे मिला जाए, बजाय इसके कि नहीं साहब हम तो अब हमारी नेताजी नहीं सुन रहे तो हमने कहा सड़क पे ही लेट जाएंगे हम, अब वो से भी काम उससे भी काम नहीं चले तो एक एक तलवार भाला बर्छी लेके कूद पड़ो सबको और पेल दो जिसको जहाँ इच्छा है। मेरा ये भाव कतई नहीं था जैसा आप वो कर रहे शब्दावली में डाल रहे हैं। नहीं पर आप अगर आप ये हिमायत करते हैं कि जब तक जंगी आंदोलन नहीं होगा तब तक अधिकारी या नेता नहीं सुनेंगे, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है कि नहीं, कि जिस देश में महात्मा गांधी जी जैसे लोग रहे हों जो एक लंगोटी पहन के सिर्फ आमरण अनशन करके लोगों को झुका देते थे, वहाँ अब आपके चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा। देखिए, आप महात्मा गांधी जी का उदाहरण निश्चित ही दे सकते हैं, पर आज कांग्रेस क्या कर रही है? आज नहीं, कांग्रेस की तो संस्कृति रही है। आप देखिए, कर आप रहे हैं और गाना भुगा रहे हैं, तो ये आपके आपका एक नेता नहीं बोल रहा, ये आपको इसके लिए साधुवाद के आपका एक नेता नहीं बोल रहा कि नहीं धरना प्रदर्शन ठीक है, बड़ा नेता कोई नहीं बोल रहा, छुटवैया टाइप के सब बोल रहे हैं, बड़ा नेता कोई नहीं बोल रहा है, पर कांग्रेस की तरफ से ये आ रही है बात, वो तो ये करते हैं ठीक है, पर आपकी तो संस्कृति रही है कि आप एक अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छा शहर चाहते हैं, अच्छी बसाहट चाहते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें प्रतिबंधित होनी चाहिए, जो है उस दायरे में रह के करें। लेकिन आपकी निश्चित ही सलाह पे चिंतन किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ दीपचंद जी, एक सवाल और उठता है कि कांग्रेस 15 साल विपक्ष में रही है, अब तो सत्ता में आ गई है, क्या भय है आपको कि सत्ता रहेगी नहीं, इसीलिए अभी आपके कई नेता कह रहे हैं नहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं भी होना चाहिए? ये भय बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज तो ये है कि हमने पिछले पंद्रह साल में, अगर आपने एक किसान आंदोलन पंडित शिव कुमार शर्मा वाले पर तो हमने भी सैकड़ों बार प्रदर्शन किए और सैकड़ों बार हम लोग जेल भी गए, और अभी वर्तमान जो मंत्री हैं एमएलए वो लोग भी साथ में गए, लेकिन जो शासन ने जो निर्धारित कर दिए थे स्थान के रोशन पूरे थे, हमको बाणगंगा चौराहे तक जाना है तो बाणगंगा चौराहे पे बैरिकेडिंग कर देते तो वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, तो ये उस वक्त और उस पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन करने वाले लोग होते थे वो उस पर अमल करते थे और वो करके प्रशासन उसके साथ सहयोग करते हुए जेल जाते थे, और जेल पर जो भी फिर इसके बाद में जिनको जेल अंदर जाना है होता अदरवाइज वहां जेल पर छोड़ दिया जाता था, ये उस वक्त होता था। इस वक्त ध्यान रखते थे कि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि शिवराज जी 12-13 साल तक यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, सुरेंद्र नाथ सिंह जी भी एमएलए रहे, और जिस तरह की भाषाओं का ये अपने घरों के सामने क्यों नहीं लगवाते घुमटियां? चलिए, आप जनता के अच्छी प्रेस्टीजियस जहाँ पे जगह है वहां तो घुमटियां लगवा देते हैं। मैं इन नेताओं से कहता हूँ, बड़े नेताओं से जो भूतपूर्व मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, सब अपने अपने मकानों के सामने भी घुमटियों को आमंत्रित करके लगवाए ना, अगर उनको रोजी से उनके उनसे इतनी मोहब्बत है तो लगवाइए। प्रधान साहब बताइए, प्रधान साहब करेंगे क्या ऐसी पहल? हॉकर्स कॉर्नर करके कुछ नहीं, नेता लगवा लेना अपने घर के सामने आसपास और वहाँ छिछोरे खड़े हो जाएं चार पांच छेड़ने के लिए समाज के अच्छे सभ्य लोगों को, महिलाओं को, ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं, नीतिगत विषय जो माननीय दीपचंद जी उठा रहे हैं तो निश्चित ही उसको मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत बढ़िया बात, आप जैसा ही नेता कोई इतनी बेबाकी से कह सकता है, अदरवाइज़ यहाँ तो देखने में ये मिलता है कि बीजेपी के नेता ऐसे बिकाऊ टाइप हो गए हैं और उसमें कांग्रेस के भी कई नेता जो है आग में घी का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो
सरकार चलाते हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, क्या उनकी नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है? दुबे जी, तिवारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इनमें नैतिकता का बहुत अभाव हो जाता है, क्योंकि ये तो इनकी जब ये निकलते हैं तो पुलिस मिलती है चौराहे पे, निकल जाते सीधे, इनके बच्चे समय पे स्कूल अस्पताल सब जगह पहुंच जाते। ये धरना प्रदर्शन को तो नेता ये भी कह सकता है कि हम जन समस्याओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब इनका कोई नेता आता है, आम सभा होती है, इनका जब जुलूस निकलता है, तब आप देखिए कहीं वो स्कूल बच्चों की बस घंटों छोटे छोटे बच्चे फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस फंसी रहती है, तब इनको ध्यान नहीं आता कि ये कहाँ बच्चे बेचारे भूखे प्यासे, उनकी माँ इंतज़ार कर रही, वो खिड़कियों से झांक रहे हैं, ये फटाके फोड़ रहे हैं, तो इन लोगों में वो भावना नहीं होती कि जैसा हम अपने बच्चों के लिए भेजते हैं, ड्राइवर आया गाड़ी आया फटाक से भेज दिया, या जैसा हमारे लिए मिलता है कि तुरंत सब सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाए आखिर, वो तो मिनी बस में जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, तो घंटों लोगों, कई बार चिकित्सा के अभाव में आपने खबरें छापी हैं उस समय जब आप प्रिंट मीडिया में थे, अभी दिखाते हैं कि इलाज के अभाव मर तक गए आदमी, तो ये नैतिकता और जब तक ये मानवीयता नहीं आएगी कि हम जैसा कहते हैं ना लोग कि हम जनता जनार्दन है, यदि ऐसा माने, ये कुछ वैसे ही है जैसे लोग भगवान को मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते, रामायण गीता को मानेंगे लेकिन उनमें जो बातें कहीं उनको नहीं मानते, ऐसे ही है जनता को बस मानते कब, वो जैसा होता है 4-5 साल बाद चुनाव के समय, बाकी तो फिर जनता इनको ऐसा लगने लगती है कहाँ से दरवाजे आ गए, क्या समस्या, इसको क्या समस्या, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। आज आप देख लो इतने गड्ढे हैं शहर में कि कितने लोग गिर जाते हैं, पानी भरा रहता समझ में नहीं आता, गड्ढे गिर गए, हाँ, जो जिसका मूल काम है वो एजेंसी वो भर नहीं कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि ये आत्मीयता से मानवीयता से सोचे कि आपको ईश्वर ने जनता ने जिस पद पे बिठाया है, आप लोगों की समस्याओं को समझें, उनको वैसे ही समझें जैसे आपके सामने वो समझ। बिल्कुल दीपचंद जी, ये जो बात कही है दुबे जी ने, आपको नहीं लगता कि आपको आपके नेताओं को संगठन की तरफ से बुला के उनको समझाइश देनी चाहिए कि भाई लोगों, 15 साल अभी आप विपक्ष में रह चुके हो, अभी भी नहीं सुधरे तो फिर रहने का इरादा आएगा 30 साल? मैं दुबे जी की बात से सहमत हूँ, बुला करके अपने कार्यकर्ताओं को भी, जो हमारे लोग हैं उनको समझाना चाहिए, और पहले ये जो गड्ढों की और उसकी बात की, जो जिससे जनता को परेशानी होती है, गाड़ी निकालने में परेशानी होती है, एम्बुलेंस के लिए परेशानी होती है, उनका निराकरण करना चाहिए, और विपक्ष के नेताओं को भी जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करने लगे हैं कि कमलनाथ का खून बहा देंगे, इसका खून बहा देंगे, उनको भी अपनी भाषा पर नियंत्रण करना चाहिए, उनको भी अपने पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके नेताओं को बुलाना चाहिए कि भाई आपने संयम रखिए, और जो डेमोक्रेटिक मूल्य हैं जनता के हितों को दृष्टि रखते हुए वो उनको पालन करें, और जो नियम कायदे कानून जो शासन प्रशासन नहीं, पर जिस तरीके से शासन प्रशासन ने एक नोटिस भेजा तो आप ही के लोग समर्थन करने लगे, तो उनको तो कम से कम नहीं करना चाहिए था? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है संभवता उनको वही चीज अभी याद हो कि जब इनका शासन था 15 साल तक, हाँ, तो कहीं ऐसा नहीं हो फिर से आ जाए तो दिक्कत हो जाए। हम लोगों ने रोशनपुरे में से धरना करते थे, बाण गंगा का मैंने बताया ना आपको, वहाँ हमको बैरिकेडिंग हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो उसी अनुशासन में रह करके ये लोग भी करेंगे, लेकिन ये लोग तो पूरी तरह से अश्रंखल अनुशासनहीन और अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं वो, और उसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण कितना होगा ये तो अलग है, लेकिन उसके पीछे और क्या क्या कारण होंगे वो समझना चाहिए। मैं आप जाइए रोशनपुरे पे जैसे जाइए, जीटीबी और बेतवा अपार्टमेंट के पीछे 42 बंगले के लिए जाइए, आप जाने निकल नहीं सकते वहाँ पे, बिल्कुल सही बात, आप रंगमहल चौराहे पलाश को जाइए, वहाँ से निकल नहीं सकते, ये अराजकता इस तरह के इस पर ध्यान। तो ये आप उठाएंगे अपने संगठन में और सोनिया गांधी जी को भेजेंगे, ये आपके जो नेता अराजकता पैदा कर रहे हैं? प्रकाश जी, मैंने इस बारे में जो मुझसे बन पड़ता है लिखा पढ़ी करता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी करने पे क्योंकि नहीं, चूंकि आप वकील भी हैं, आप महापौर भी रह चुके हैं इस शहर के, तो आपको नहीं लगता कि सोनिया जी तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए कि हमारी पार्टी किधर जा रही है? बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, पहचाना चाहिए कि हम अपने, पहले सोनिया गांधी जी के पास तो बाद में है, अभी तो सीएम के पास ही पहुंचा दीजिए, ये बात तो सीएम को और जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके पास, और जो यहाँ से यहाँ के मैं जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब से चर्चा करना चाहिए, और सबको, और यही नहीं पूरे प्रदेश की बात करूँ, कहीं भी ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चर्चा का सार भी
यही है कि जनता के लिए नेता काम करें, ना कि अपने लिए। परंतु देखने में ये आ रहा है कि कई नेता अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए शासन प्रशासन और जो नियम मर्यादा हैं उनकी जो ताकीद है उसको भी लांघ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता अगर खुश नहीं है तो फिर इन नेताओं का मतलब क्या, और ये कैसे कहते हैं कि ये खुद उनके जनप्रतिनिधि हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर। आपके सपनों की यूनिवर्सिटी आईसेट यूनिवर्सिटी अब है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, जहां सपनों को हकीकत में बदला जाता है।